हेलो हमारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 के चैप्टर सर्कल्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक सर्कल के बारे में बताया गया है जिसका सेंटर है ओ, और इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं जो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ की गई है। ये जो टेंजेंट्स है, पहले टेंजेंट का नाम है एल और दूसरे टेंजेंट का नाम है एम, और इसमें ये जो पी ए है ये पहली टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी ए, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दूसरे टेंजेंट की है लाइन सेगमेंट पी बी। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना, एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको मैं पहले डायग्राम में ही सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद में लिख के बताऊंगा कैसे होता है। देखिए यहां, देखिए इस लाइन सेगमेंट को, देखिए लाइन सेगमेंट OA क्या है, OA इस सर्कल की रेडियस है, और ये जो PA क्या है, PA या आप बोलिए L, ये टेंजेंट है। अब ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच करते हैं। ठीक है, तो रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हुई, परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना OAP, ये 90 डिग्री है। तो इस तरह से एंगल OBP या PBO, आप कैसे भी बोलिए, ये 90 डिग्री है। अब यहां पे आप क्वाड्रिलेटरल को देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल को PAOB, आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये जो चार वर्टेक्स एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है, इन चार वर्टेक्स एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, जिसमें से 90 प्लस 90 180, तो इन दोनों का ही सम है, तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना हुआ, 180 डिग्री ऑब्वियसली। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएंगे। अब इसे लिखना कैसे है, देखिए हम लिखेंगे OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB, क्यों, क्योंकि रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PAO और एंगल PBO 90 डिग्री होंगे। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल PAOB को, देखिए PAOB इसमें चारों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों एंगल्स की जो वैल्यूज पता है मुझे, मैं लिख देता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा एंगल APB प्लस एंगल BOA या एंगल AOB, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है।